Welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your guide and friend for today's class. And today we're going to work out the Vada scheme. You must have heard about those working for the BNMN or some other competitive exams for education basis. They need to work out the basic education scheme and Vada education schemes. क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन से क्वेश्चन हमें आने चाहिए, and how can we rule out? As in my last video, I have told you about the certain important question of the B.Ed. preparations. Now, this is the most important question of the paper 2 that you need to work out. And this is the most important question, I must say that. You are going to find out that in particular papers. आपने कहा इस question में करने की जरूरत क्या है? What was the basic reason to work out this question? Why it was being known as the basic education scheme or the Vada education? It was headed by Vada Commission, that why it was known as Vada Commission. Whereas the basic education scheme, ये प्लेटफॉर्म है हमारा जहां से हमें हर चीज को समझना है. तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे एंड टू वर्क आउट द बेसिक एंड वन एंड हाउ यू गोइंग टू डील विद दिस क्वेश्चन. याद रखना है आपने कि पेपर में आंसर लिखते हुए आपको कुछ पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. दैट इज लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द पॉइंट ऑफ द बेसिक एजुकेशन स्कीम ओवर द वादा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937. लेट्स स्टार्ट. This scheme was a unique place by the field of elementary education in India. That's true. This scheme has a unique place. Iski bahut alag jagah hai hamari society mein in our education or basic education of Indian society. The scheme was first attempt to develop an indigenous scheme of education in British India by Mahatma Gandhi, none other than the father of nation. He knew the British system of the education could not serve the social economic need of country. ये वो बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि जो ब्रिटिश एजुकेशन स्कीम चल रही है वो कहीं से भी हमारी बेसिक एजुकेशन सर्व नहीं कर रही. एंड एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन 1931 ही हैव टोल्ड ऑल द लू पॉइंट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग इन इंडिया एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अंडर ब्रिटिश इरा. उसको हाईलाइट किया गया एंड देन देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट्स दैट कम इन द माइंड ऑफ वादा स्कीम जिसको हमने बोला बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937. तो सबसे पहले तो हमें पहले क्लियर करना होगा व्हाट वर द रेजोल्यूशंस, व्हाट वर द रेजोल्यूशन दैट वाज टेकन एट दैट पर्टिकुलर स्कीम. द फर्स्ट फ्री एंड फोर्स, आई रिपीट, फ्री एंड फोर्स कंपल्सरी एजुकेशन बी प्रोवाइडेड फॉर 1 ईयर ऑन नेशन वाइड स्केल. पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए और फोर्सफुली आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी for the 1 year with the implementation of this basic scheme. तो सबसे पहला resolution तो लिया गया कि free education दी जाएगी. The second one, the medium instruction must be the mother tongue. The medium of instruction must be the mother tongue. Why is the mother tongue? Because it's easy to call for the people to recognize the language. जब आप अपनी मदर टंग में उस चीज को करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप चीजों को डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे. So it's important to work out the scheme in the mother tongue. That was the resolution, the second resolution of basic scheme of education. And then the next one, the manual and productive work are required. यहाँ पे आपने हैंडलूम को वर्कआउट होगा. हाँ सर, उसने गांधी जी ने इन चीज पर ध्यान दिया कि हैंडलूम में वर्क होगा और कई चीजें में हाईलाइट किया जाएगा जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी. स्टूडेंट को स्कूल में उस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे चीजें प्रोड्यूस करनी है, हाउ दे कैन मेक दे ऑन वोकेशनलाइजेशन में स्ट्रेस दिया गया जो यहां पे था. उसके बाद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल ग्रेजुअली एबल टू कवर एंड बाय डूइंग दैट यही चीज आगे मार्केट में सेल होगी. तो ये क्या करेगी, कवर करेगी रेमुनेशन ऑफ टीचर्स. जो टीचर्स का रेमुनेशन है वो स्टूडेंट्स अपने काम से ही निकाल लेंगे. ये रेजोल्यूशन का पॉइंट था, ये आइडिया था बिहाइंड द स्कीम, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन. अब आपने ध्यान रखना है कि यहां पे बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क करेंगे जो मार्केट में सेल आउट किया जाता है, उसके बिहाफ पे जो टीचर है उनका रेमुनरेशन उससे निकलाएगा. एंड टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट्स द एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन. व्हाट आर द बेसिक एम्स, क्या था बेसिक एम्स, कैसे वर्कआउट करते हैं, कौन से पॉइंट जो हमें दिमाग में रखने होंगे और कैसे हाईलाइट करेंगे चीजों को. द फर्स्ट एम, आइडियल ऑफ सिटीजनशिप. यहाँ पे सिटीजनशिप क्या है, कैसे आइडियल है, उसको बताया जाएगा, पूरी तरह एक्सप्लेन करना है. स्टूडेंट दोज आर रियली वर्किंग हार्ड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स,
ये क्वेश्चन जरूर करना है, और याद रखना जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको, यू नीड टू राइट एन एक्सप्लेनेशन। उसके लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप सर्च करेंगे, द टेक्स्ट बुक दैट वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी और द हेल्प बुक्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर्स, दोज आर अवेलेबल इन मार्केट, डू हैव दीज एक्सप्लेनेशंस। सो डू चेक आउट ऑल द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स एंड देन राइट ऑन एन आंसर। And then the first of the ideal citizenship, the second one, culture viewpoint. This really matters a lot. Why talking about the basic education? तो हमारे लिए जरूरी होगी culture viewpoint आना चाहिए हमें, वहाँ बताना होगा. All round development. मैंने आपको पहले बोला basic education में गांधी जी ने कहा था कि all round development चाहिए. He wanted all round development. For that, he had stress given to the vocational courses. Handlooms and girls for the other things, ये सारी चीज उसने हाईलाइट की. And then next one, economic aims, this is something more. So from the beginning of the education era, गांधी जी ट्राई टू वर्क ऑन द इकोनॉमिक स्किल्स, जहां पे उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी गई जो चीजों को कर पाएंगे और आगे समझ पाएंगे. And then the सर्वोदय, the peace, the charity, the love, the friendship, the entire structure comes under सर्वोदय. तो यहां पे हमें इन एम्स को पूरा डिफाइन करना है, वी नीड टू डिफाइन दीज एम्स. सो रिमेंबर द बेसिक एजुकेशन और द वादा स्कीम ऑफ एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड टाइम टू मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज द करिकुलम ऑफ द स्कीम, द करिकुलम ऑफ द स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो हमें ऑन टिप आना चाहिए. एक करिकुलम ऑफ द स्कीम ऑफ एजुकेशन में क्या है, सबसे पहला बेसिक क्राफ्ट से. बेसिक क्राफ्ट अगर आप शुरू करते हो, गांधी जी ने शुरू किया तो पहले वर्ड से ही उन्होंने बेसिक क्राफ्ट बता दिया. ये बेसिक क्राफ्ट एक्चुअली है कौन से, एग्रीकल्चर, स्पाइनिंग एंड वीविंग, वुड क्राफ्ट, फिशरी, लेदर वर्क और गार्डनिंग एंड सर्टन अदर. दीज आर जस्ट द नेम ऑफ सर्टन बेसिक क्राफ्ट जो उस वक्त स्ट्रेस किए गए गांधी जी के द्वारा कि इन चीजों पर आपको हाईलाइट करना है, यू नीड टू वर्क ऑन दीज. So remember, while on the basic crafts, you need to work out the agriculture, spinning and weaving, woodwork, fishery, leather work and gardening. Those who are really watching this video, I must say that you do have a pen and notebook along with you so that you can write down these points, as it's going to be very helpful to you, because in a paper you're going to write on the 16 mark answer, you need to give these points one by one and with the explanations. Ye aapko karna hai. And then we have the mother tongue. The second important part is the mother tongue. As I told you in a resolution, the education should be departed in their mother tongue. Next, mathematics, social science, journal science. इनकी पूरी knowledge देना basic education का basic curriculum का part था. Then journal science, arts, Hindi, home science and physical education. These are the points that you need to write down in answer for Basic Education Scheme Policy 1937 or Vada Education Scheme 1937. Remember, अगर आप ये चीजें करते हैं तो you're going to score good. Hope you like this video. Don't forget to subscribe and share my channel with others so that they too can get the benefit. Catch you very soon.